डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूँ वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज अकाल मृत्यु के संबंध में कुछ बतलाना चाह रहा हूँ। चरक संहिता विमान स्थान तृतीय अध्याय में वर्णन है अकाल मृत्यु और काल मृत्यु किस प्रकार होता है, इस संबंध में आपको मैं बतलाना चाह रहा हूँ। भगवान पुनर्वसु के शिष्य अग्निवेश ने प्रश्न किया कि आयु के होते हुए अकाल मृत्यु या काल मृत्यु किस प्रकार होता है। इस पर भगवान पुनर्वसु ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार रथ में लगी लोहे की धुरी अपने गुणों से युक्त होते हुए और भार को ढोते हुए अपने परमाण से छिन्न होकर नाश हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य बलवान होते हुए अपने आयु से अपने प्राण से छिन्न होकर नाश हो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। इसी को काल मृत्यु या काल मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार रथ में लगी लोहे के धुरी अधिक भार ढोते हुए और कुमार्ग गमन करते हुए और धुरे से पहिए का निकल जाना या कील से निकल जाना, इसमें दोष अश्व और सारथी का होता है कि धुरे में तेल से चिकना न करना या धुरे को अच्छी तरह से या चक्के को न देखना और उल्टा पुल्टा रास्ता में चलने से रथ जो है से उलट जाता है और टूट जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का आयु जो है बीच में समाप्त हो जाता है, जैसे ताकत से अधिक कार्य करने से या जठराग्नि जितना अन्न को पचा सके उससे अधिक खाने से, वेग को रोकने से, विष पान करने से या दूषित वायु को सेवन करने से, अग्नि से जलने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से, अन्न का सेवन न करना यानी अनशन करना, उसे भी आपको दिक्कत होता है और भूतों द्वारा सताए जाने से, इस प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरण है। और अच्छा चिकित्सक या चिकित्सा से रोग के बारे में न दिखाने से वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को ग्रसित हो जाता है। और कोई भी चिकित्सक कष्ट को मिटा सकता है मगर आयु को वह नहीं बढ़ा सकता है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह अमर नहीं हैं और आपको चिकित्सक जो है आपका रोग को आयु रहते भर में रोग को हटा सकता है, आयु को वह बढ़ा नहीं सकता है। आयु का कोई निवारण नहीं है। और मैं इस वीडियो देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ।